बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एच ज़ाकिब 11, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जरबरा फ्लावर्स के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे लगाया जा सकता है। जरबरा एक नहायत खूबसूरत और कीमती फूलों में शुमार होता है। ये थोड़ी महंगी वैरायटी है, मगर इसके कलर और इसकी शाइन बहुत प्यारी होती है। हर फूल एक इंतहाई शार्प और खूबसूरत कलरफुल नज़र आता है, इसलिए इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएँ। ये गमलों में और क्यारियों में दोनों तरीक़ों से लगाया जा सकता है। बस इसके लिए आपको वेल ड्रेन किस्म की सॉइल तैयार करना होती है। गमलों में भी थोड़ी सी मिट्टी चेंज कर लें। उसके लिए 3 हिस्से भल और 1 हिस्सा पत्तों की गली सड़ी खाद और गोबर की खाद को मिक्स करके मिट्टी तैयार कर लें। 10-10 इंच के गमले उस मिट्टी से भर लें और किसी अच्छी नर्सरी से, आजकल जुलाई के माह में इनकी तकरीबन आप अच्छी नर्सरी में इसकी पनीरी जो है ना वो तैयार मिल जाएगी, वो ला के एक एक पौधा हर गमले के सेंटर में जो है ना वो लगा दें। पौधा लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा मिट्टी के अंदर उभरा हुआ हो, बिल्कुल डिप ना कर दें, ताकि पानी जब आप लगाएं तो वो पौधा उसके अंदर ना डूब जाए। थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ हो ताकि पानी उसकी जड़ों को छुए, उसके तने को ना छुए। तो इस तरीके से पौधा जो है ना आपका ज़्यादा सेहतमंद रहता है। अगर पानी में डिप कर जाएगा तो वो उसको फंगस लग जाती है और वो मर जाता है। तो ये ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं करता है, मगर आपाशी इसकी मुसलसल होनी चाहिए। बस आप ये देख लें कि थोड़ा सा मिट्टी को खोद के देखें, 1-1.5 इंच तक अगर वो खुश्क हो जाए तो उसको फिर पानी दे दें। इसलिए आप इसको खुद ही चेक कर सकते हैं कि इसको कब पानी देना है। इस दौरान पौधा कभी कभी ये फील होता है कि उसके पत्ते जो है ना थोड़ी सी उनमें पीलाहट आ गई, पीला होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली वो पौधों के अंदर कभी क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल की कमी पौधों में बावजूद मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी होती है। इसके लिए आप एप्सम साल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का एक महलूल बना के किसी बोतल में रख लें। जब आप आपाशी करें 10-15 दिन बाद थोड़ा सा वो उसमें पानी में मिक्स करके और पौधों को दे दें। इससे पौधों की ग्रोथ बेहतर होगी और पत्ते सरसब्ज और बहुत खूबसूरत शाइनी किस्म के हो जाएंगे। इसी तरह जब पत्ते पौधे फूलों पर आने लगें तो उनको NPK खाद, NPK से मुराद नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाशियम की मिक्स खाद होती है, इससे ये दी जाती है। पत्तों पर गमले के किनारे के साथ साथ चंद दाने इस खाद के डाल दें और इससे फूलों की ग्रोथ बेहतर और शानदार होती है। इस पौधे के कट फ्लावर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कमरों के अंदर भी इसको रखा जा सकता है और ये बहुत देर तक इसके फूलों की ताजगी कायम रहती है। आप इसको ज़रूर लगाएं, इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करते हैं, बहुत खूबसूरत कलर होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह फिर आइंदा वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।